आज के न्यूज के बात करें तो शुरू करते हैं रामायण की टीआरपी से। रामायण को मिली रिकॉर्ड ब्रेक टीआरपी, जिसने शक्तिमान सीरियल को भी पीछे छोड़ दिया। टॉप 5 टीआरपी लिस्ट में पहले नंबर पर है डीडी नेशनल पे चल रही रामायण सीरियल, दूसरे नंबर पर है डीडी भारती पे चल रही महाभारत सीरियल, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर है दंगल चैनल पे चल रही बाबा ऐसो बल ढूंढो महिमा शनि देव की, और पांचवें नंबर पर है बंदिनी। दूसरी बड़ी खबर है कि रामायण और महाभारत के बाद 27 साल के बाद आ रही है श्री कृष्णा सीरियल। रामायण और महाभारत की सफलता और लोकप्रियता के बाद लोगों ने श्री कृष्णा को भी दोबारा टेलीकास्ट करने की मांग को स्वीकारते हुए दूरदर्शन ने उसको भी रीटेलीकास्ट करने का फैसला किया है। हालांकि अभी कोई रीटेलीकास्ट की डेट शेयर नहीं हुई है। अगली खबर है तो कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह अपने पति परमित शेट्टी को करवा रही है घर के काम, और ये वीडियो इंटरनेट पर हो रही है वायरल। हेलो मिस्टर सेठी, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गार्डनर्स जॉब। आपका जॉब यहाँ पर परमानेंट हो सकती है, अगर आप अच्छी तरह से झाड़ू लगाएंगे तो आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा। और यहाँ आपकी असिस्टेंट है जो पानी दे रही है, मम्मी। कौन किसका असिस्टेंट है ये तो पता नहीं, बट दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, उस दिन मैंने झाड़ू लगाई थी, आज आप करो। बिट्स यू आर स्वेटिंग लाइक मैड ऑब्वियसली। चलो चलो, अच्छा अच्छा काम करो। I'm gonna go for a walk before they beat me up, both of them. Well, not my mom, but Parmeet might. अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ। पता है अभी कमेंट आएंगे कि oh, does he really beat you up? No, he doesn't. And I don't beat him up either. Okay, today the garden is empty because ये लोग यहाँ पर हैं, है ना? चलो bye guys. कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस शिखा सिंह माँ बनने वाली है, और सोशल मीडिया में अपनी बेबी बम्प वाली ये तस्वीर उन्होंने शेयर की है। शिखा सिंह इस वक्त 7 महीना प्रेग्नेंट है और वो जून में बच्चे को जन्म देगी। एमएक्स प्लेयर पे आप देख सकोगे शाहरुख खान की सीरियल फौजी, जो कि 33 साल पुरानी सीरियल है। ये लॉकडाउन के पीरियड में सभी पुरानी सीरियल ट्रेंडिंग कर रही है, तो इसे देख एमएक्स प्लेयर भी अभी पुराने धारावाहिक दर्शकों के लिए बिल्कुल फ्री में दिखाएगा, और उसमें सभी जॉनर की सीरियल्स होगी, जिसमें पुरानी से लेके पौराणिक से लेके कॉमेडी सीरियल तक भी आएंगे। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रही शहनाज गिल ने एक वीडियो शेयर करते हुए चाइना को दे डाली है ये धमकी। देखिए उनका ये वीडियो हो रहा है ट्रेंडिंग। ये जो चाइना वाले ने हरकत की है ना, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, बोलना बोलना नहीं चाहती, चेतावनी देना चाहती हूँ। लॉकडाउन के बीच में आई तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पलक सिंधवानी उर्फ सोनू और कुश शाह उर्फ गोली के बीच डेटिंग की खबरें, बट उसको खारिज करते हुए पलक ने कहा कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। कपिल शर्मा ने लॉकडाउन में अपने पुराने दिनों की याद करते हुए ये गजल गाती हुई वीडियो अपने इंस्टा पे पोस्ट की है, और लोगों ने उसको जम कर देखा, और उन्होंने लिखा #2018 सिंगिंग वन ऑफ माय फेवरेट गजल ऑफ लेट श्री जगजीत जी, यू आर ऑलवेज आवर हार्ट्स जगजीत जी। रामायण की अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की शादी में पहुंचे थे राजेश खन्ना। ये फोटो अभी सोशल मीडिया में कर रही है ट्रेंडिंग। लोग सीता को ये सीरियल के बाद भी रियल लाइफ में भी पूजने लगे थे। रामायण की शूटिंग के दौरान की तस्वीर सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया जी ने अपने ट्विटर से दर्शकों के साथ शेयर की है, जिसमें वो रामानंद सागर जी के साथ सीन समझते हुए नजर आती है। अभी चल रही महाभारत सीरियल में द्रौपदी का चीरहरण में हुआ था 250 मीटर लंबी साड़ी का उपयोग,
और द्रौपदी का रोल करने वाली रूपा गांगुली को भी मेकर्स ने कहा था कि ऐसी फीलिंग चेहरे पर लाना जो कि एक रियल सभा में एक नारी का चीरहरण होता हो, ऐसी रियल फीलिंग लाने का भी उन्होंने दरखास्त किया था। महाभारत के समय में भी एयर कूलर होता है। ये फोटो में दिखाई दे रहा है कि भीष्म के बीच साफ साफ एयर कूलर दिख रहा है। ये फोटो अभी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। फिर एक यूज़र ने क्लेरिफाई करते हुए लिखा है, ये पिलर है, पिलर की डिज़ाइन है, एयर कूलर नहीं। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कर ने अपने इंस्टा हैंडल पे ये अपनी फैमिली बॉन्डिंग दिखाती एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो अपनी सास यानी शोएब की मदर के साथ की एक फ़ोटो शेयर की है, जिसमें वो अपना सर उनके कंधे पे रखी है और उनमें दिख रहा है कि सास और बहू का अच्छा बॉन्डिंग वाला प्यार है। और उन्होंने उसमें लिखा है कि दिस पिक्चर इज इनकम्प्लीट विदाउट हर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसी चटपटी टीवी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।